मीरापुर बक्शीवाला पंचायत के दो गांवों के लिए जंगल से होकर जाने वाले 60 साल पुराने कच्चे रास्ते को वन विभाग ने खाई खोदकर बंद कर दिया है। ऐसे ग्रामीणों का संपर्क मुख्य सड़क से कट गया है। ग्रामीणों में विभाग के प्रति रोष है। सरपंच बक्शीवाला हरदेव ने बताया कि उनकी पंचायत के अंतर्गत दो गांव आते हैं, इसमें निचला जटवाल और निचला रऊवाला गांव शामिल है। इन गांवों से ग्रामीणों की आवाजाही जंगल में बने वर्षों पुराने रास्ते से होती है। ये रास्ते पुराने समय के हैं, जब जंगल भी नहीं हुआ करते थे। इसे वन विभाग ने तानाशाही रवैये अपनाते हुए बंद कर दिया है। इस कारण ग्रामीणों को आवाजाही में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इससे रसूखदार व्यक्ति को फायदा पहुंचा रहा है वन विभाग। देखे क्या कहा ग्रामीणों ने। क्या नाम है सर आपका? मैं सरपंच हरदेव, पूर्व सरपंच हरदेव सिंह, ग्राम पंचायत मीरापुर बक्शीवाला। ये जो हमारे रास्ते आरओ सुनील शर्मा द्वारा बंद करवाए गए, दो दिन पहले मेरी इनसे बात हुई है कि हमारे जो ये रास्ता निचला जटवाला और निचला रऊवाला को जाते हैं, तो इन रास्तों के आगे किसी इनके निजी आदमी ने जमीन ली है 15 बीघे, और उसमें वो फार्म हाउस काट रहा है। उससे पहले जब वो हमारे किसी जिम्मेदार के पास थी लोकल, तो ये वहाँ पे इन्होंने फॉरेस्ट ने क्रंच पटा कर रास्ता बंद किया हुआ था। तो जब मैंने सुनील शर्मा से दो दिन पहले यह बात करी, मैं कि सर आपने वो क्रंच बंद करवा दी और रास्ता खोल दिया, तो वो कहने लगा आपको इससे दिक्कत है। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को एक बात का जवाब दो आप कि आपने जो हमारा लोकल जिम्मेदार था उस टाइम आपने रास्ते बंद किए हुए थे, और जो आदमी फार्म हाउस काट रहा है उसके लिए आपने रास्ते खोल दिए। मेरे को कहने लगा बकवास मत करो, मेरा आप कुछ नहीं कर सकते, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मैं आपके जो पुराने रास्ते हैं गांव के वो भी बंद करवा दूंगा। तो कल इन्होंने दोपहर बाद यह रास्ते जेसीबी मशीन मंगवा कर बंद कर दिए, जिससे हमारे दोनों गाँव के लोगों को आने जाने की बहुत दिक्कत हो रही है। एकमात्र यही रास्ता था जो आज़ादी से बाद ये रास्ता चल रहा है हमारा, इसमें वन विभाग सन 1978 के बाद बना है, और ये रास्ता उससे पहले चल रहा था, तभी फॉरेस्ट वालों ने इस फायर लाइन को छोड़ रखा था। जंगल तो अब बना है। पिंजौर से पवन कुमार की रिपोर्ट।